का ऐसा कुछ सीन है, यहाँ त्यार श्यार हो चुके हैं, अब भाई बन रहा है जैंकी शैंकी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और दिन और एक और ब्लॉग के साथ। अभी हम होटल रूम से चेकआउट करेंगे, देखेंगे अगर कुछ ब्रेकफास्ट मिला तो, नहीं तो सीधा फिर सोनप्रयाग होते हुए गौरव तक जाएंगे, फिर उसके बाद चढ़ाई स्टार्ट करनी है। थोड़े लेट हो गए हैं, 6 बज गए हैं अभी, तो चलिए निकलते हैं। ठीक है चलो। भाई भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या मतलब साला, ना चाय पिलाई ना परोंठे खिलाई, चलो भाई लगे हुए हो सवेर तुम लोगों के, सवेर 5 मिनट वीडियो देंगे, 5 बजे से भाई को परोंठे आगे खिलाएंगे ना, आगे कहाँ जाना हमें, सोनप्रयाग थोड़ी कौन, अरे सोनप्रयाग में खिलाएंगे, सोनप्रयाग में खिलाओगे? हां पक्का, पैसे है ना आपके पास? बहुत पैसा है फिर तो ठीक है, गूगल पे कर देना बस, तो गाइस अभी निकल चुके हैं पैदल हम यहाँ से सोनप्रयाग के लिए, 1.5 किलोमीटर है, फिर वहाँ से करीबन 7-7.5 किलोमीटर है गौरीकुंड, यहाँ से हम कैब को हायर करेंगे, अभी चल रहे हैं, हमारा ट्रैक यहीं से स्टार्ट हो गया है। आज की हमको गाड़ी कहाँ से मिले? अभी हम सोनप्रयाग भी नहीं पहुंचे और यहाँ पर लाइनें स्टार्ट हो गई है। कुछ खास टिप्पणी भाई साहब इसके बारे में? नहीं नहीं लगनी चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा बहुत भीड़ है। ये अच्छा है तो जाना। वो चलते चलते पहुंच चुके हम इस बोर्ड के पास, और यहाँ से एक पुल क्रॉस करना है हमको, और उसके बाद हमको टैक्सियाँ मिलेंगी जो हमको सीधा गौरीकुंड लेके जाएंगी, जो यहाँ से है करीबन 4-5 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं। अभी पहुंच चुके हम गौरीकुंड, और ये सामने बोर्ड केदारनाथ पैदल मार्ग, यहाँ से स्टार्ट होती है चढ़ाई हमारी, तो चढ़ाई करेंगे। सॉरी आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का सफ़र नहीं दिखा पाए क्योंकि बहुत भीड़ थी टैक्सी में, तो कैमरा नहीं निकाल पाए, तो चलिए चलते हैं, चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। गौरीकुंड से थोड़ा ऊपर आते ही हम पहुंचे हैं माता पार्वती जी के मंदिर, जिसे गौरी मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ माता पार्वती ने तपस्या की थी और योग अभ्यास किया था। अभी यहाँ से माता की डोली ऊपर केदारनाथ जाने के लिए तैयार हो रही है, तो चलिए आपको मंदिर के भी दर्शन कराते हैं और माता की डोली के भी दर्शन कराते हैं। तो यह है गौरीकुंड का मार्केट, जो ट्रैक स्टार्ट करते ही आ जाता है, और यहाँ से आप हर ज़रूरी सामान ले सकते हैं, जैसे कि दवाइयाँ, गर्म कपड़े और खाने पीने का सामान, सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं अगर आप कुछ, आपको कुछ चाहिए या आप कुछ भूल गए हैं लाना। तो वहाँ नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पर लोग नहा रहे हैं, हल्की सी भाप भी आ रही है, वहाँ पर है कुंड छोटा सा जहाँ पर गर्म पानी आता है, और यात्रा स्टार्ट करने से पहले श्रद्धालु वहाँ स्नान करते हैं। तो गौरीकुंड से ऊपर आ गए हैं, अभी तक कुछ खासी भीड़ नहीं है, ठीक ठाक भीड़ है ना भाई? ठीक ठाक भीड़ है, तो आराम से जा रहे हैं, अभी देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, करीबन 9:30 बजे हमने स्टार्ट किया था, फिर हम डोली देखने लग गए थे, माता की गंगा माता की डोली देखने लग गए थे नीचे,
वो क्लिप्स में आपको दिखाएंगे। और अभी जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा पैर देख के रखना पड़ता है, घोड़े घोड़े भी लगे हुए जगह जगह। खच्चर भाई, खच्चर खच्चर है, घोड़े नहीं हो, खच्चर है, घोड़ा नहीं, घोड़े लगे हुए हैं, जा रहे हैं। सामने क्यों दिखाओ भाई, केदारनाथ से 10 यहाँ से भी आधा किलोमीटर है और हमारे बंदे का करीबन 5.5 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम। खुशी भी हो रही है बट बहुत स्लो ट्रैकिंग हो रही है, धूप बहुत लगी हुई है भाई साहब। सामने देख रहे हैं केदारनाथ 10.5 किलोमीटर रहता है अभी भी, तो बस इतना ही है। बुरे हाल हुए पड़े हैं, बैग में कितने कपड़े भर रखे हैं, पता नहीं क्या क्या सोच के आए थे हम, क्या क्या हो रहा है। बहुत गर्मी हो रही भाई साहब, इतनी धूप लगी हुई है ना, हम भर भर के कपड़े लेके आए हैं, स्वेट जैकेट जूते सब बैग में डाल दिए वापस, सिर्फ टी शर्ट बोला था कि जैकेट ले लो। बर्फ पड़ रही है यहाँ, कौन बोल रहा था जो बर्फ पड़ रही है, ये देखो बर्फ पड़ रही है यहाँ पर, कितनी बर्फ पड़ रही है यहाँ पर। अभी हुई हमारी 5 किलोमीटर चलने के बाद नमकीन ब्रेक, आजो गाइस नमकीन खा लो। सो फाइनली बहुत सारे शॉर्ट कट ले गए, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम। वहाँ जो नीचे दिख रहा है ना आपको, वो जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, वहाँ से ऊपर आए हम। अभी है यहाँ से भी थोड़ा दूर, करीबन करीबन काफ़ी है यहाँ से, कितना रह गया होगा, करीबन 5-6 किलोमीटर पाँच छः किलोमीटर रह गया यहाँ से बस, अभी जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं रेस्ट भाई साहब, बहुत मुश्किल चढ़ाई है, हैं बुरे हाल हो गए, बुरे हाल। हाँ स्टैमिना तो गया है, 16 किलोमीटर पहले, मतलब दिक्कत ये है ना कि पहले हम पैदल आए, कहाँ से पैदल आए थे, सीतापुर से हम सोनप्रयाग तक पैदल आए, लाइनें लगी हुई थी भाई साहब इतनी ना, सुबह सुबह हम 6 बजे निकल गए थे, तब भी हमको मतलब कि कहाँ पर यहाँ क्या नाम है उसका, गौरीकुंड तक पहुंचने में 9:30 बज गए थे, फिर जाके करते हैं चढ़ाई शुरू की। उसके बाद इतनी धूप, इतनी गर्मी, ऊपर से बैग हमारे फुल हो रखे हैं, इतना हमने करते वो गर्मियों के मतलब कि ठंडियों का कपड़ा पहन पैक करके रखे थे ना, दो जैकेटें पैंटें पता नहीं क्या क्या पजामे, दिक्कत की बात है ना, इतने शॉर्ट कट लिए ना हमने, मतलब कि रिस्क ले लेके 3-4 कितने शॉर्ट कट लिए, 4-5 शॉर्ट कट लिए, फिर भी अभी भी 6 किलोमीटर रहता है भाई साहब, 6 किलोमीटर अभी भी। सुबह निकले थे हम जैकेटें पहन के, हैं पूरे पैक होके निकले थे, जैकेटें पहनी हुई हैं सब कुछ भाई साहब, जैसे जैसे चढ़ाई स्टार्ट की उसके बाद जो पसीना आया, इतनी धूप लुधियाने में लग रही थी, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, बहुत होगी, अब रात को चलते हैं ठंड होगी बट दिन में बहुत गर्मी है, तो आओ तो देख के आना थोड़ा कि सामान कमी रहे, चढ़ाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है, हमारे बैग फुल हो रखे हैं, भाई तो लंगड़ा के चल रहा था, वैष्णो माता का एक्सपर्ट भाई जो चढ़ाई में बैग, यहाँ भाई के हालात ख़राब हो गए हैं, तेल हो गया भाई यहाँ पर, तो अभी रेस्ट करते हैं फिर निकलते हैं थोड़ी देर में खा पी के, तब तक आप क्लिप्स इंजॉय कीजिए। फिर 4 किलोमीटर बता रहा है, अभी पीछे दिखाया आपको, अभी भी 4 किलोमीटर रहते हैं भाई, कितने क्या क्या करें,
बोले बाबा कितनी परीक्षा ले रहे हो? मेरी तरफ कर चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि 2 घंटे पहले भी 4 किलोमीटर थे। और अभी हमको ऊपर जाना है, जहाँ पर वो टेंट से दिख रहे ना ऊपर, और ऊपर वहाँ तक जाना है। हेलो। और अभी बुरे हाल हो गए, पता नहीं कितना चढ़ना पड़ रहा है, बट जैसे ही मंदिर के दर्शन होंगे दिल खुश हो जाएगा। अभी भी वहाँ जाना हमने, वो ऊपर टॉप पर दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा, मैं जूम करता हूँ। ऐसे 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 जूम नहीं होता। नीचे से हमारे सोहन भाई जी और शीशपाल भाई आ रहे हैं, देखो मजा आ रहा है। थकाई हो ही नहीं रही है। थकान हो ही नहीं रही है। अभी दूसरे से पूछता हूँ, अभी शीशपाल भाई से पूछते हैं ना, थकान हो रही कि नहीं हो रही? और सामने व्यू देखो कितना प्यारा है, यहीं से बाढ़ का पानी गया था, जो बादल से बादल है। भाई थकान हो रही है? तो अभी पहुंच चुके हैं हम बेस कैंप पे, बरियाल हो चुके हैं पैरों के, और सुमन भाई कैंप पूछने गया है और हम यहाँ पर खड़े हैं। ये देखो व्यूज आगे मिलेगा, इतना प्यारा व्यू है। यहाँ पर कैंप नहीं मिला, आगे मिलता, आगे देखते हैं, अभी आगे पूछते हैं क्या करना है। चलो आगे केदारनाथ मंदिर के भी दर्शन कराते हैं आपको। तो अभी हम हैं बेस कैंप पे और केदारनाथ मंदिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है अभी भी, पर अभी हम यहीं पर हैं क्योंकि रात के रुकने के लिए टेंट देखना है, और टेंट मिलने के बाद हम फिर केदारनाथ मंदिर की तरफ जाएंगे रात के दर्शन के लिए। वो सामने मंदिर है, वो थोड़ी सी गुलाबी सी रोशनी दिख रही होगी, वहीं पर मंदिर है, उसी तरफ जा रहे हैं हम। सो गाइस, ब्लॉग जो है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले आपको बताते हैं कि गए थे हम मंदिर में, पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और 9 बजे कपाट बंद हो जाते हैं मंदिर के, रात के बहुत तेज चल रहे थे यहाँ हमारे साथी। तो हमारे साथी बहुत तेज चल रहे थे, ये भाई तो भाई साहब, ये तो कह रहा था मेरे को छलांग लगाने दो पहाड़ी से, कहता इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पे, पर हमने रोक लिया, मैं कहा नहीं नहीं आराम से जाएंगे। तो भीड़ बहुत थी तो इसलिए हम करते हैं सिर्फ देख के वापस आ गए हैं, और अभी सुबह जाएंगे हम, करते हैं चौथा बंदा का, बस किस्मत हो की हो जाए दर्शन अंदर जाके। तो अभी हम 4:30 बजे मतलब वही 4:30 बजे उठेंगे कि नहीं उठेंगे? पैरों के बुरे हाल हो रखे हैं अभी, पैरासिटामोल लेके अपने पीछे देखे होगा वीडियो में, बहुत बुरे हाल भाई। 16 किलोमीटर कह के 22-25 किलोमीटर चला दिया उन्होंने हमको, 2500 का फुदू टेंट मिल गया हमको, ये हमने टेंट लिया भाई 2500 रुपए का। ब्लॉगिंग यहाँ सो रखे हैं के बाहर बंदा, वो देखो हवा कितना चल रही है। 2500 का टेंट लिया चार बंदों के लिए। ये हमारे अभिषेक ब्रो यहाँ पर सोए हो गए, देखो कतला फटा हुआ गिर रहा है, बटी हुई है इन्होंने इन्होंने एक एक का क्या हाल है, एक देखो ये यहाँ पर लगा के रह जाए क्योंकि ताकि कहते कोई बाघ भूख ना आ जाए है उधर, क्योंकि जीप है और हम यहाँ पर सो रखे हैं। ये है पीछे सुमन भाई और शिशपाल भाई। तो खाना जो खाया हमने, पर खाना तो थोड़ा ठीक सा नहीं था है भाई, जब भी आओ खाना ठीक सा, खाना बेकार था देख भाई, दाल में दाल नहीं, सब्जी सब्जी ठंडी थी भाई। भाई कहते हैं 200 रुपए की प्लेट थी, पर भाई लड़पड़ा वहाँ कहता बात, हमने चावल हमने खाए नहीं, 50 रुपए उसके काटो है, और दाल और कलते सब्जी कलते वो खाई नहीं क्योंकि वो ठंडी थी, इसलिए उसके पैसे काटो, पर फिर पैसे दे दिए हमने, मन में लगी क्या चलो यार क्या करना है, बाहर आए
जिस उसने सब्जी सब्जी दिए तो वो पैसे दे दिए थे, तो बस आज का दिन कुछ ऐसा ही था। तो अभी सोने जा रहे हैं, पैरों में बहुत दर्द है भाई। तो भाई ने हमको पता नहीं कौन सी गोली दी है, नीमोस्लाइड या पता नहीं क्या बोल रहा है, नीमोस्लाइड पैरासिटामोल, तो उसको खा लिया है अभी हमने। सुबह ये तो रोनी मिलेगी, अभी सोने जा रहे हैं। तो तुमने क्रॉसिंग खाई है? बात अच्छा कदर, टेंट का कैच क्या है, इसके पीछे खाई है सामने की तरफ, उधर इस तरफ जो है खाई है, तो इसलिए हम इस तरफ को सर करके सो रखे हैं, कहीं गलती से उधर को ना हो जाए। रात को मैंने चल गए ना, तो बस इसी बात पे आज का व्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं आपको कल सुबह। ये कौन बताएगा? और एक नई वीडियो, ये कौन बताएगा?